जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर सलामी दी। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को देश की अखंडता व निष्ठा की शपथ दिलाई तथा स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण सम्पन्न हुआ है और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया है तथा सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। उन्होंने कहा, हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि सभी संकटों का सामना करते हुए आगे बढ़ें और 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रयोग करते हुए देश को मजबूत बनाने में कामयाब बने। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है और हम सब यहाँ हमेशा इस बात के लोकतंत्र के इस मुकाम पर पहुंचे और निश्चित ही संपूर्ण विश्व के सामने एक चुनौती है और एक उदाहरण भी है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित आप सबकी उपस्थिति गौरवमयी उपस्थिति ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही मदद मिलेंगे। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा शुभ नामे जागे जागे तब जय दाता सभी मेरे साथ दोहराएंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा में संविधान द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अंगीकृत पीछे पीछे सबसे पहले हमारा ये प्रतिभा एक ग्रुप फोटोग्राफ ले रहे हैं। यह अवसर है हमें हमें हमेशा याद रखने का कि इन्हीं के परिवार के लोगों ने बढ़ चढ़ कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी की और आज हम देशों में हमारी गिनती अग्रणी भूमिका खासियत से है। मेरे साथी मिनिस्ट्रेशन कलेक्ट्रेट परिवार के सभी सदस्यगण, मीडिया के साथी गण, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण और इसी मंच के माध्यम से सभी सम्मानित गोरखपुर जनपद के निवासीगण, आज 73वें गणतंत्र दिवस के लिए मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन करना चाहूँगा। हम सबको हमारे
प्रजातंत्रिक व्यवस्था और संविधान के ढांचे पे बहुत गर्व है। मैं आज इस अवसर पर सरहद पर हमें सुरक्षित महसूस कर रहे हमारे जवानों को नमन करता हूँ, उनके बलिदान और त्याग को याद करके उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और हम सब का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं हमारे संविधान निर्माता हमारे स्वतंत्रता सेनान संग्राम के महापुरुषों का आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था हमें सौगात में उन्होंने दी। मैं उनके सपने के भारत को परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सब संकल्पित हों इसके आह्वान करते हुए उन सबको याद करते हुए ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अपने जनपद को अग्रसर बनाते हुए अग्रणी बनाते हुए अपने अपना बहुमूल्य योगदान के लिए कटिबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे। मैं आज के सबसे बड़ी चुनौती हमारी कोविड महामारी वैश्विक महामारी के खिलाफ चल रहे संग्राम में अपना अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए अपने मेहनत और कटिबद्धता से कार्य कर रहे सभी कोरोना वॉरियर्स, विशेषकर हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे आशा एएनएम आंगनवाड़ी बहनें, हमारे सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस विभाग से और प्रशासन से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, पुलिस साथीगण, सभी को उनके गत दो वर्षों की मेहनत के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सभी की ओर से। और ये विश्वास करता हूँ कि हम सब इस युद्ध में जरूर जीतेंगे और कोरोना को हराएंगे। और इसी कड़ी में हमारे जनपद को गौरवान्वित कर रहे सभी छात्र छात्राएं, मेधावी हमारे सभी स्टूडेंट्स और उद्यमी सभी को मैं बधाई देता हूँ कि हमारे जनपद को उन्होंने गौरवान्वित किया है। एक और साल हम अपने प्रजातंत्र को और सुदृढ़ बनाने में, विकास को अग्रसर करने में कामयाब रहे हैं। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए जो पूरी दुनिया जो आश्चर्यचकित होती है और नाश करती है कि ऐसे भिन्नता के बावजूद एक ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू करने में सफल हम रहे हैं, ये देश और मजबूत होते जाए, ये गणतंत्र और आगे बढ़े, इसी कामना के साथ एक और बार सभी को इस पावन अवसर पर मैं शुभकामनाएं और बधाई देते हुए संकल्पित होता हूँ कि हमारे कलेक्ट्रेट परिवार की ओर से सभी जनमानस को निरंतर सेवाएं देते रहे हम लोग और पूरे पारदर्शिता के साथ, कटिबद्धता के साथ, तत्परता के साथ सभी सरकारी सेवाओं को हम लोग उपलब्ध कराने में, अंतिम कगार में खड़े हुए व्यक्ति को भी न्याय कराने में हम सफल हों। और इसी ओर कार्य करने के लिए हम सब मिलजुल कर काम करें, इसी कामना के साथ मैं एक और बार सभी को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। आज कलेक्ट्रेट परिसर में पूरे कलेक्ट्रेट के सभी मेरे साथी मजिस्ट्रेट्स के साथ और सभी कलेक्ट्रेट परिवार के साथ हम गर्व से गणतंत्र दिवस समारोह का और ध्वजारोहण कार्यक्रम को आज संपन्न कराया गया। आज स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के हमारे सदस्यों को भी हमने सम्मान किया है और यहाँ पे सब संकल्पित होते हुए आज इस गणतंत्र दिवस को मनाया है। और मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सभी सम्मानित नागरिकों को आज के इस पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि संकल्पित होते हुए जितनी भी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, हम एकजुट कर सद्भाव के साथ, आपसी सामंजस्य के साथ इसको हल कराते हुए आगे बढ़ें और आगामी विधानसभा चुनाव में सभी अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करते हुए इस गणतंत्र को और मजबूत बनाने में हम कामयाब हो सकें।